नमस्कार दोस्तों, नए लेटेस्ट दमदार वीडियोस और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में इस घंटी को जरूर दबाएं ताकि आप तक हमारी लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले। होंडा भारत में अपनी 500 सीसी लाइनअप कर रही होगी और सूची में CBR 500R नामक एक स्पोर्ट्स बाइक है। CBR 500R ने हमें उत्साहित किया है क्योंकि इसके बड़े भाई CBR 650R के रूप में बहुमुखी होने की उम्मीद है। यहाँ आपको CBR 500R के बारे में जानने की आवश्यकता है, तो आइए जानते हैं इन बाइक्स के प्राइस, स्पेसिफिकेशन, कीमत से लेकर ऑफर तक की पूरी जानकारी विस्तार में। पर उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल यूवी न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। होंडा का 500 सीसी प्लेटफॉर्म समांतर ट्विन मोटर का उपयोग करता है, लेकिन विभिन्न राज्यों में धुन के साथ। CBR 500 की 471 सीसी तरल ठंडा मोटर 47.58 PS 8500 RPM पर और 43 Nm 6500 RPM पर वितरित करती है। होंडा का कहना है कि मोटर को मिड रेंज ग्रंट में बेहतर कम पहुंचाने और 28.6 किलोमीटर प्रति लीटर ईंधन की क्षमता देने का दावा किया गया है। अपने 17.1 लीटर बड़े ईंधन टैंक के साथ होंडा का कहना है कि CBR 500R एक पूर्ण टैंक पर 480 किलोमीटर तक यात्रा कर सकता है। इसमें स्लिप के साथ 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलते हैं और क्लच को असिस्ट करता है। इसमें एक स्टील डायमंड प्रकार का फ्रेम मिलता है जो मोटर का उपयोग एक तनावग्रस्त सदस्य के रूप में करता है। सस्पेंशन के घटकों में 41 मिलीमीटर प्रीलोड एडजस्टेबल फोर्क और प्रीलोड एडजस्टेबल मोनोशॉक शामिल है। ब्रेकिंग एक सिंगल 320 मिलीमीटर फ्रंट और 240 मिलीमीटर रियर डिस्क के माध्यम से है। इसमें 120/70 ZR17 फ्रंट और 160/60 ZR17 रियर रेडियल टायर मिलते हैं। CBR 500R में एक LED हेड लैंप, LED टेल लैंप और LED टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं। ये पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल के साथ आता है, जिसमें स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, डुअल ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, औसत ईंधन की खपत, डिजिटल घड़ी और गियर पोजीशन इंडिकेटर शामिल हैं। सुरक्षा के लिहाज से CBR 500R में इंजन इमोबिलाइजर और डुअल चैनल ABS मिलता है। CBR 500R का वजन 192 kg है, जो कि भारत तादाद में है। अगर आप अधिक शक्तिशाली कावासाकी निंजा 650 का वजन से 4 kg अधिक मानते हैं, हालांकि यह 785 मिलीमीटर की कम सीट ऊंचाई को देखते हुए अधिकांश सवारों के लिए सुलभ होना चाहिए। 130 मिलीमीटर पर जमीन मंजूरी निचले हिस्से पर है, जबकि 1410 मिलीमीटर लंबे व्हीलबेस को कोनों के आसपास स्थिर करना चाहिए। भविष्य में इसे पूरी तरह से स्थानीय बनाने की योजना के साथ होंडा CBRD मार्ग से CBR 500R को भारत में लाएगी। हमें उम्मीद है कि मिड साइज स्पोर्ट्स बाइक की कीमत लगभग 4.99 लाख रुपए होगी। एक बार स्थानीयकरण हो जाने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि मूल्य टैग लगभग 4.5 लाख रुपए तक गिर जाए। होंडा CBR 500R के इस साल के अंत हमारे तटों तक पहुंचने की उम्मीद है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।